गुड मॉर्निंग गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और एज यूजुअल मैं जो है रेडी हो चुका हूँ। आज मुझे कुछ अपने काम से जाना है और कुछ कार्स वगैरह का मुझे शूट भी करना है, तो वहाँ पर मैं जाऊँगा, डीलरशिप पर मुझे जाना है, शूट करना है, और आज मैं शॉप पर थोड़ा सा लेट जाऊँगा। फटाफट से मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ और फिर आप लोगों से अगेन मिलता हूँ कार के अंदर। सो गाइज, अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और मैं रेडी हो चुका हूँ, ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया और कार के अंदर आ चुका हूँ। तो अब मुझे जाना है फरीदाबाद। सबसे पहले फरीदाबाद जाऊंगा, जहाँ पर मुझे मारुति की डीलरशिप पर जाना है। वहाँ पर सर मिलेंगे, वो मुझे बताएंगे कब मुझे शूट करना है, क्योंकि कार्स वगैरह जो है वो हमेशा अवेलेबल नहीं रहती जिस कार का मुझे शूट करना है। तो वहाँ पर जाकर मैं उनसे बात करूँगा और वो जो भी टाइमिंग बताएंगे उसके बाद मुझे वहाँ पर जाना है। चलते हैं फटाफट और देखते हैं कि कितना टाइम लगता है फरीदाबाद जाने में। सो गाइस, अभी आप यहाँ पर देख रहे हो पोर्शे पैनामेरा, जो कि मेरे आगे इस टाइम चल रही है, और इसकी साउंड अगर मैं लिटरली बताऊँ ना तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और काफ़ी ज़्यादा जो है एक लाउड जो साउंड होते हैं वैसे नहीं है, सॉफ्ट साउंड है, और काफ़ी ज़्यादा जो स्पोर्टियर वाली साउंड है ना वो यहाँ से आ रही है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। मेजरली क्या होता है स्पोर्ट्स कार के अंदर, कई जो है वो एक्स्ट्रा जो साइलेंसर लगा लेते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेकार लगता है, बट ये जो सॉफ्ट साउंड है ना ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। सो गाइस, मैं जस्ट पहुँचने वाला हूँ फरीदाबाद, और आप अभी यहाँ पर देख सकते हो कि जो ट्रैफिक है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम है, और जब से पूरा हाईवे बन चुका है ना दिल्ली से पूरा फरीदाबाद तक के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा ईज़ हो गया है। मैंने टोल पे करके मैं इधर की तरफ आया हूँ। एक दूसरा रास्ता भी है जहाँ से नीचे की साइड से जा सकते हैं, बट अगर आप टोल पे करते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। 32 रुपये का टोल है और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। और मैं यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट हुए हैं मुझे दिल्ली से यहाँ निकले हुए, और अभी जिस मैं पहुँचने वाला था मुश्किल से 20 से 25 मिनट के अंदर आप दिल्ली से फरीदाबाद पहुँच सकते हैं। और यहाँ पर आप देखो, सबसे अच्छी चीज़ मुझे ना ये लगती है कि जो स्कॉर्पियो है ना, अभी आप यहाँ पर आगे देखो इसकी जो लुक्स है ना पुरानी वाली स्कॉर्पियो की, जो कि अब क्लासिक के नाम से जानी जाती है, इसकी बात ही अलग है। एकदम जो गैंगस्टर वाला लुक है ना और एक प्रॉपर रगेड SUV का, वो यहाँ पर मिलता है। काफ़ी ज़्यादा चौड़ी भी लगती है और पूरी जो हाइट है ना इसकी एकदम सेम है, बिल्कुल भी इसको ऊपर की साइड से छोटा नहीं किया। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है स्कॉर्पियो की। आपको स्कॉर्पियो कैसे लगती है कमेंट करके ज़रूर बताना। जब लोग ट्रैफिक रूल्स को ऑबे नहीं करते ना और ट्रैफिक लाइट्स को भी ऑबे नहीं करते, तो इस तरीके से जाम लग जाता है। आप यहाँ पर देखो, ये जो ट्रक है ना बीच में फंस चुका है, उधर से गाड़ियाँ आनी शुरू हो गई हैं बट इसको निकलने नहीं दे रही हैं। तो ये चीज़ ना काफ़ी ज़्यादा मुझे बेकार लगती है रोड्स के ऊपर। सो गाइज, मैं पहुंच चुका हूं फरीदाबाद, और यहां पर आप देख सकते हो ये है मारुति की डीलरशिप, मारुति सुजुकी अरेना विपुल मोटर्स, और यहां पर आप देख सकते हो कितनी सारी कार्स वगैरह पार्कड हैं। अब मुझे अंदर जाना है और अंदर जाकर मैं बात करके आता हूं सर से। सर ने मुझे जो टाइमिंग दिया था मैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। आप देख सकते हो, और फरीदाबाद में थोड़ा सा ट्रैफिक वगैरह कम रहता है इस साइड पर, और शूट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और सारी कार्स आप देख सकते हो यहाँ पर अवेलेबल हैं। बहुत अच्छी डीलरशिप मुझे ये लगी। गाइस, मैं होकर आ चुका हूँ डीलरशिप में और मेरी बात भी हो चुकी है, और सर ने बोला है कि मंडे को आप आ जाइए, और जो कार्स है जो मुझे वेरिएंट चाहिए था एस्प्रेसो और सेलेरियो वो यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा मंडे तक। तो मैं मंडे यहाँ पर आऊँगा और मंडे को हमें जो शूट है वो यहाँ पर करने वाला हूँ। चलते हैं अब घर वापस, जो काम था वो हो चुका है। अब मैं जाऊँगा घर पे, लंच वगैरह करूँगा और उसके बाद मैं शॉप पर जाऊँगा, क्योंकि शॉप पर ही मेरे पास और भी काम अभी है। गाइस, आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ जो कि शायद आप लोगों को काफ़ी लोगों को पता भी हो, काफ़ी लोगों को ना भी पता हो, स्टिल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी मैं घर की तरफ ही जा रहा था तो बीच में मुझे क्या चीज़ नजर आई वो मैं आप लोगों को पहले दिखाता हूँ। काफ़ी लोगों को मिथ होता है कि जो ट्रक आते हैं ना वो पूरे जो बॉडी बनी हुई होती है ना पूरी उस तरीके से, जहाँ पर आप देख रहे हो अभी वहाँ पर, कि इस तरीके से पूरी बॉडी बनी हुई वाले ट्रक्स आते हैं, बट ऐसा नहीं होता। जो ट्रक्स अगर कोई भी ओनर ख़रीदता है तो कुछ इस तरीके से आता है पूरा चेसी के साथ, और फ्रंट में पूरा कंपार्टमेंट होता है। बाकी जो पूरा काम होता है वो ओनर को, जो भी उसको ख़रीदता है उसको खुद करवाना पड़ता है, और वो सारा जो एक्सपेंस है वो ओनर को ही बेयर करना पड़ता है। सिर्फ जो एक्सोरूम प्राइस इन ट्रक्स वगैरह का होता है वो सिर्फ इस कंडीशन के लिए होता है, पूरा वो खुद कराना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये था आइसर का ट्रक Pro 3019, और बाकी एक और ट्रक भी है जो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ आइसर का, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसी तरीके से जो ट्रक्स हैं वो आते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा दूँ। बाकी जो अभी मैं यहाँ पर पूरा स्टॉक यार्ड में था तो
यहाँ से आप देखो कि सारे जो ट्रक्स हैं वो इसी कंडीशन के अंदर है, इसी तरीके से होते हैं। सो आपको ये मैंने आइडिया देना था, तो सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। सो मैं घर की तरफ ही जा रहा था, तो जैसे मैंने देखा तो सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। सो अब चलते हैं आप घर की तरफ। सो गाइस, क्रूज कंट्रोल का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अब आप देख सकते हो कि जो हाईवे पर हूँ इस टाइम मैं, और अभी क्या है, मुझे एक्सीलेटर बार बार देना पड़ रहा है, कम करना पड़ रहा है, या फिर एक सर्टेन स्पीड को मेंटेन करने के लिए मुझे जो है पेडल को प्रेस करके रखना पड़ रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, क्रूज कंट्रोल को एक्टिवेट कर दूंगा। यहाँ पर अब आप देख सकते हो मैं एक्टिवेट कर रहा हूँ 60 की स्पीड में, और 60 की स्पीड में मैंने क्रूज कंट्रोल को एक्टिव कर दिया है। और अब मैं अपना पैर पेडल से हटा भी सकता हूँ और जो स्पीड है वो पूरी तरीके से मेंटेन रहेगी। सो हाईवे के ऊपर जो क्रूज कंट्रोल है वो काफी ज्यादा काम आता है और काफी ज्यादा फायदा भी देता है, आपको काफी ज्यादा कंफर्ट देता है और रिलैक्सेशन आपको मिल जाती है। और अगर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है, आपको बस आराम से बैठना है स्टेयरिंग को पकड़कर। सो ये काफी अच्छी चीज मुझे लगती है। आप भी अगर आपके पास भी ऑटोमेटिक कार है, क्रूज कंट्रोल है, तो अच्छे से इसका लुफ्त उठाएं। सो गाइज, अभी आप यहां पर देख रहे हो पार्क प्लस का फास्टैग। ये फास्टैग मेरी कार का है, मैंने इसे रिप्लेसमंट के लिए दोबारा से रिप्लेसमेंट डाली थी, और ये जो डिलीवर हो गया था वो 26 सितंबर को हो गया था, बट कंपनी को अभी तक नहीं पता कि ये फास्टैग कहाँ है। मैं 1.5 महीने से कंप्लेंट कर रहा हूँ और अभी तक उनको नहीं पता है। आज मुझे मेरी जो नेबर वाली शॉप है वहाँ से उन्होंने मुझे ये दिया है कि आपका ये फास्टैग आया हुआ था, बट कंपनी को अभी तक नहीं पता है। अब मैं कॉल करके बताऊँगा, जब इसे एक्टिवेट करूँगा तब मैं उन लोगों को बताऊँगा। और अब ये मुझे जो है अपनी कार के ऊपर लगाना है। ये वाला जो अभी आप फास्टैग देख रहे हैं ना, ये साइड से पूरा मतलब पेस्टिंग इसकी हट चुकी है, और हटने के बाद आपको पता है कि फास्टैग ख़राब हो ही जाता है। सो इसीलिए मुझे दूसरा फास्टैग अभी ऑर्डर करना पड़ा। सो गाइस, जो फास्टैग है मैं कैसे लगाऊंगा और कहाँ पर लगाऊंगा वो मैं आप लोगों को कल के ब्लॉग के अंदर दिखाने वाला हूँ। आज इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे दोबारा से कल। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।